हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम ट्वेल्थ क्लास में एलिमेंट बुक का 7.4 एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेटिव करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फिफ्थ का फर्स्ट हमें डिफरेंशिएशन करना है लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, सो सबसे पहले हम लॉग का डेरिवेटिव करते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन जो भी इसकी ये वैल्यू है एज इट इज़ आ जाएगी ये नीचे। देन अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव, सो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन ये रूट। फिर रूट के अंदर जो ये क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, वन हो जाएगा। एक्स का तो वन और माइनस ए का जीरो है ना। फिर प्लस, अब इसकी बारी, रूट का टू रूट आना था है ना, टू रूट एक्स माइनस बी। फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका भी वन आएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही बचा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका ले लेते हैं एलसीएम, राइट। ये वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ ले लिया हमने एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आ गया, एक तो टू और एक एक्स माइनस ए का रूट और एक एक्स माइनस बी का रूट। तो ऊपर क्या गया, एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए है ना। अब आप नोटिस करो, देखो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये पार्ट, और वही अपना आंसर होगा। आप चाहो तो ज़्यादा ज़्यादा इसमें ऐसा इन दोनों का रूट जो है वो कंबाइन कर सकते हो है ना। पावर सेम है तो पावर को हमने कॉमन ले ली। तो ये आ गया अपना फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट टेंजेंट लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो देखिए, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला ही लॉजिक। टेंजेंट का सेकेंट स्क्वेयर है ना, फिर उसका एंगल सेम, फिर इसके मल्टीपल में अब किसकी बारी है, लॉग की। लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन उसकी वैल्यू जो भी है साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस इसकी वैल्यू का स्क्वायर, यानी एक्स था तो एक्स का स्क्वायर है ना। आ गया अपना आंसर, बस खत्म, ठीक है। इस साइन से ये साइन कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ये किसी की प्रोटेक्शन में है, ये इसका एंगल के रूप में आए हुए। ओके, सो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, वो भी ऐसा सही है, बस वही स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट टू राइट का लॉजिक ध्यान रखिए बस। अगर होल पावर नज़र आती है तो पहले होल पावर फिर लेफ्ट टू राइट, और फिर पावर के अंदर भी तो वही लॉजिक लगना है ना। तो देखिए, लॉग का क्या हो जाएगा, वन अपॉन उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन के इक्वल है। अब साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट है ना। और फिर मैंने वन लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली इसके ऊपर लिखने वाला था। फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऐसा कर लेते हैं, देखिए कोस अपॉन साइन एंगल सेम है तो इसको कॉट लिख लें, कॉट सेम रूट है ना। और ये जो एक्स है इस एक्स को आगे ले आते हैं एक्स मल्टीपल में, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर से वही बात, ये मत काट देना ऐसे है ना। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए, लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, वन अपॉन उसकी वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव एक्स का वन, रूट का वन अपॉन टू रूट, लेकिन फिर इस रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, वन का तो जीरो, एक्स स्क्वेयर का
2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब ऐसा करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, किसका, ब्रैकेट का, राइट। तो देखो एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, रूट आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या जब बनेगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस के बाद क्या बच रहा है, एक्स। नोटिस करो, देखो ये सेम नहीं है, कट जाएंगे, क्या बच गया, वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है भाई, e रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए भाई, अब कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, गड़बड़ क्या करेंगे, डायरेक्ट अंधाधुन हो जाना स्टार्ट उनको, पहले e का करेंगे, फिर log का करेंगे, फिर सो ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है भाई सिंपल सी, जब e और log इस तरह से साथ होते हैं तो आंसर में हमारे पास क्या बचता है, अभी तक देखिए डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, एक्स प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, क्या हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स प्लस जो लॉग के बाद जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू वैल्यू बच जाएगी। क्या यूज किया है, e रेज टू पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, ख़त्म, है ना। अब डेरिवेटिव कर दो एक्स का, वन रूट का वन अपॉन टू रूट, एंड देन रूट के अंदर वाले का, टू से टू कैंसिल, बस। अब आप एलसीएम लो या मत लो वो तुम्हारी मर्जी, है ना, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात आ गई, हम ले या ना ले। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ टेन इनवर्स कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर। लो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पॉलिनोमियल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंट भी डाल देते, बता चार चार फंक्शन एक साथ दे दिए इन्होंने, है ना। सो देखिए लॉग का करेंगे तो क्या होगा भाई, पहले वन अपॉन उसकी वैल्यू जो भी है कोस एक्स स्क्वेयर, फिर टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो कोस स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई में कोस का डेरिवेटिव जो कि माइनस का साइन, एंगल सेम, फिर अब इस एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का टू एक्स। तो बेसिकली यही अपना फाइनल आंसर भी हो जाएगा, और तो इसमें ज़्यादा कुछ कंबाइन हम कर नहीं सकते, है ना। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फाइव जो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।